दोस्तों आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि पूमा का मालिक कौन है और पूमा किस देश की कंपनी है। तो यदि आप पूमा कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें ताकि हम आपको कम शब्द में ही संपूर्ण जानकारी दे सकें। दोस्तों पूमा कंपनी के मालिक जो है रुडोल्ट डासलर है और इसका जन्म 26 मार्च 1898 को हार्जोजोनोराच जर्मनी में हुआ था और इसका देहांत 27 अक्टूबर 1974 में हुआ था। पुमा कंपनी अपने आप में एक बेहतरीन क्वालिटी के जूते और कपड़े बनाने वाले कंपनी है और जिसका नाम दुनिया भर लोकप्रिय है। पुमा कंपनी की शुरुआत 1948 में जर्मनी में की गई थी जो आज दुनिया भर में सबसे बड़े स्पोर्ट्स शूज और टी शर्ट निर्माता ब्रांड बन चुके हैं। हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका इस कंपनी का जो मुख्यालय है जर्मनी में है। और पुमा कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो पुमा कंपनी का स्थापना 1948 में जर्मनी में से हुई थी। पुमा कंपनी किस देश की कंपनी है? तो यह जर्मनी की स्पोर्ट टी शर्ट और जूते बनाने वाली कंपनी है। पुमा का ओनर कौन है? तो आपको तो जैसे कि मैंने बता लिया कि इसका जो ओनर है रुडोल्ट डासलर है। और पुमा का सीईओ कौन है? तो पुमा कंपनी का जो सीईओ है यह बर्जोन गोल्डन है और ये 1 जुलाई 2013 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ही कितना धन्यवाद।